राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अपन ने ये पढ़ा था, देखो कि जो रासायनिक सूत्र है वो रासायनिक सूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो था आणविक सूत्र और दूसरा होता है भाई मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र क्या होता है? अणु में परमाणुओं की सही संख्या, जैसे बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में 6 तो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन के एटम है। तो कार्बन और हाइड्रोजन की सही संख्या क्या है? कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम। जबकि मूलानुपाती सूत्र क्या होता है भाई? परमाणुओं का सरल अनुपात होता है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर इस बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 6:6, सरल करो 1:1, तो परमाणुओं का सरल अनुपात क्या आया? 1:1, अर्थात मूलानुपाती सूत्र होगा CH। ठीक है भाई, तो आणविक सूत्र तो होता है परमाणुओं की सही संख्या और मूलानुपाती सूत्र होता है भाई परमाणुओं का सरल अनुपात। आज अपन क्या करते हैं कि ये मूलानुपाती सूत्र निकाला कैसे जाएगा उसकी बात आज अपन यहां करेंगे। तो देखो भाई, तो इसके लिए देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कुछ चीजें हैं मैं आपको जो बताऊं। चलो ऐसा करते हैं, अपन एक क्वेश्चन दे दिया मान लो उसने, और ये कह रहा है कि एक यौगिक में हाइड्रोजन 11.11% और ऑक्सीजन 88.89% है, आप इसका अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र निकालें। यदि इस यौगिक का अणुभार 18 है, यह क्वेश्चन है भाई कि एक यौगिक में हाइड्रोजन 11.11%, ऑक्सीजन 88.89% है, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र आप इसके ज्ञात करें अगर अणुभार 18 है तो। क्लियर बात? अब अगर अपन आगे कर चलते हैं तो एक सारणी बनाता हूं मैं, और सारणी में क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं लिखता हूं कि आपको तत्व कौन कौन से दे दिए। तो उसने एक हाइड्रोजन दे दिया, एक ऑक्सीजन दे दिया, फिर मैं बात करूंगा कि उनकी परसेंटेज कितनी दे दी। एक की परसेंटेज 11.11 थी और एक की 88.89% थी। फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये जो परसेंटेज थी, इस परसेंटेज को आप ग्राम में लिख दें, वैल्यू इन ग्राम, ग्राम में लिख दें, तो सिंपल सी बात है ये 11.11 ग्राम हो जाएगा और ये 88.89 ग्राम हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी अपन ने क्या कर दिया, जो परसेंटेज थी उसको ग्राम में लिख दिया। परमाणु भार क्या है भाई? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। अब मैं निकालूंगा मोल, तो मोल निकालने के लिए क्या किया मैंने, ये जो ग्राम में वैल्यू इन ग्राम में लिखी थी ना, इसको लिखूंगा मैं W, और ये जो परमाणु भार लिखा है इसको लिखूंगा मैं M। तो मोल निकालने का फार्मूला आपके पास हो जाएगा भाई W/m, ग्राम में भार बटा परमाणु भार। क्या फार्मूला हो गया? ग्राम में भार बटा परमाणु भार। ठीक है भाई, तो ग्राम में, बस यहां नहीं करूंगा मैं, ऊपर कर लूंगा। तो ग्राम में भार कितना है? 11.11 बटा 1, 88.89 बटा 16,
तो यहां पर तो आंसर आ जाएगा 11.11 और यहां आंसर आ जाएगा 5.55। मोल निकाल लिया। मोल निकालने के बाद मैं निकालूंगा भाई मोलर रेशो, मोलर अनुपात। और मोलर अनुपात निकालने का मेरे पास तरीका है क्या, मोलर अनुपात कैसे निकालूंगा? मोलर अनुपात निकालने का तरीका है मेरे पास, मोल में छोटे भागफल का भाग दे दूंगा। मोल ये रहे 11.11 5.55, मोल है ये, इसमें भाग दे देना छोटे भागफल का। इन दोनों भागफल में से छोटा कौन सा, 5.55, तो 5.55 का भाग लगेगा, यानी 11.11 में 5.55 का भाग लगेगा और यहां 5.55 में 5.55 का भाग लगेगा। यहां जाएगा एक, यहां जाएगा दो, यह आ गया भाई मोलर अनुपात। मोलर अनुपात नहीं दिया, मोलर अनुपात में लिखने के बाद मैं इसको किस में चेंज करूंगा, सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात में चेंज करूंगा। और यहां उसको सरलतम पूर्ण संख्या में चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याओं में चेंज करने की जरूरत नहीं। पूर्ण संख्याओं में चेंज करने की जरूरत जब पड़ती, जब यह एक ना होकर के 1.5 होता तो उसको पूर्ण संख्या में गुणा करना पड़ता। अब मेरे पास यहां आ गया भाई क्या, मूलानुपाती सूत्र आ गया। कैसे, हाइड्रोजन इसमें दो है, ऑक्सीजन इसमें एक है, तो यह आ गया इसका मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र निकालने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये जो मूलानुपाती सूत्र निकाला है मैंने, इस मूलानुपाती सूत्र का, मूलानुपाती सूत्र का भार निकाल लूंगा। दो हाइड्रोजन है, दो एक ऑक्सीजन है, 16 कितना आ गया 18, तो मूलानुपाती सूत्र का भार तो आ गया 18 और मेरे पास अणु भार था 18 जो सवाल में दे दिया था। अब मैं एन निकाल सकता हूं। एन निकालने का तरीका है मेरे पास कि अणु भार में मैं मूलानुपाती भार का भाग दे दूं। अणु भार कितना 18, मूलानुपाती भार 18, कितना आ जाएगा एक आ जाएगा एन। एन निकालने से मेरे को एक फायदा हो जाएगा कि मैं अणुसूत्र निकाल सकता हूं और अणुसूत्र निकालने का फार्मूला है एन इंटू मूलानुपाती सूत्र। एन कितना है एक, मूलानुपाती सूत्र कौन सा है H2O, ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा H2 आ जाएगा। यह हो गया आपके पास आपका क्वेश्चन कि एक यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज दे दी थी, अणुभार दे दिया था, ठीक है, तो आप यहां पर यह सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के बाद सारणी में क्या क्या, परसेंटेज, परसेंटेज को ग्राम में लिख दो, परमाणु भार आपको पता है, मोल निकालने का और मोलर अनुपात निकालने के सूत्र मैंने आपको यहां दे दिए, मोल निकालने का और मोलर अनुपात निकालने का सूत्र ये है। और उसके बाद आप क्या निकाल लें, मूलानुपाती सूत्र का भार, ये जो मूलानुपाती सूत्र आएगा उसका भार निकाल लें और फिर एन निकाल लें, एन से अणु सूत्र निकाल लें भाई, ठीक है। आप अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन यहां और लेता हूं, ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। वो ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज 92.31 है और उसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज 7.69 है और उसका अणुभार 78 है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले इससे सबसे पहले टेबल बनाऊंगा। देखो मैं सबसे पहले लिखूंगा तत्व, तत्व मेरे पास एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, दूसरा मैं लिखूंगा इसकी परसेंटेज, परसेंटेज कितनी है बताएं, 92.31 और 7.69। फिर लिखूंगा मैं इसको ग्राम में, ग्राम में चेंज करूंगा तो ये 92.31 ग्राम और ये 7.69 ग्राम। फिर मैं लिखूंगा इनका एम,
परमाणु भार लिख दो, चलो मैं ये था ग्राम, यानी ये डब्लू था, ये डब्लू था। अब मैं लिखूंगा क्या इसका परमाणु भार, परमाणु भार का मतलब मैं लिख रहा हूं डब्लू अपॉन एम, ठीक है। कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का है 1, अब मैं निकालूंगा क्या मोल। मोल निकालने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया कि मोल बराबर होता है डब्लू अपॉन एम, ये डब्लू रहा ये एम रहा, तो 92.31 में 12 का भाग दे दें और 7.69 1 का भाग दे दें, यहां तो आ जाएगा 7.69 और यहां भी आ जाएगा 7.69 मोल आ गया। मोल आने के बाद क्या निकाल लेंगे भाई बताओ, मोलर अनुपात निकाल लेंगे। मोलर अनुपात निकालने का फार्मूला मैंने बता दिया कि मोल में मोलर रेशियो कैसे निकलेगा, मोल में छोटे भागफल का भाग दे दें, 7.69 छोटा 7.69 है, 7.69 का ही भाग दे दें, तो 7.69 में 7.69 का भाग दे दें एक, 7.69 में 7.69 का भाग दे दें एक, एक एक आ गया। पूर्ण संख्या में है, पूर्ण संख्या में चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख दें कि इसका मूलानुपाती जो सूत्र है कार्बन एक हाइड्रोजन एक CH आ गया। मूलानुपाती सूत्र आपने निकाल लिया CH, मूलानुपाती सूत्र आपने निकाल लिया CH, अब मैं इसका भार निकालूंगा तो मूलानुपाती सूत्र का भार कितना आ जाएगा, कार्बन का एक हाइड्रोजन का, कार्बन का 12 हाइड्रोजन का एक 13 आ जाएगा भाई। और n बराबर होता है अणु भार में मूलानुपाती भार का भाग दे दें, अणु भार सवाल में दिया हुआ था 78, मूलानुपाती भार आ गया 13, आ गया 6 n आ गया। n निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं क्या अणुसूत्र, क्योंकि अणुसूत्र बराबर होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र, n कितना आया 6, मूलानुपाती सूत्र CH था, यह आ जाएगा C6H6 और C6H6 आपको पता है बेंजीन का अणुसूत्र है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके पास मूलानुपाती सूत्र निकालना, उसकी टेबल और 2-3 फार्मूले। कल अपन फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।